भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने या कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि आलू डालो और सोना निकालो। भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष में विश्वास रखती है। ख्याली पुलाव पकाना कमलनाथ जी के लिए बहुत अच्छी बात थी, सोचना चाहिए। आदमी सोचता है पल में मैं कहाँ पहुँच गया, पल में कहाँ पहुँच गया, वही बात कमलनाथ जी के और कांग्रेस के साथ थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिल से मेहनत की। हमने आपसे, आपने पहले भी हमसे पूछा था, हमने आपसे कहा था प्रचंड बहुमत 150 से ऊपर हम सीटें। आपने कहा था 150 पर। मैंने बोला था आपसे 150 से ऊपर लाएंगे। पिछली बार जब 2018 में चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी इन तीनों प्रदेशों में, एक चेहरे के साथ गई थी। इस बार भी एक चेहरे के साथ गई है, पर वो चेहरा कॉमन चेहरा था, देश का एक ही नेता, दुनिया का एक ही नेता, नरेंद्र मोदी। ये तो आना ही था। और ये शिवराज जी का जो सुचारू शासन चला, उन्होंने एक भयमुक्त वातावरण दिया। ये जो कांग्रेस के लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहे थे, अपमानजनक बातें कर रहे थे, सनातनियों का अपमान कर रहे थे, और ये जो अपमान कर रहे थे उनको और संरक्षण देते थे और कुछ बोलते नहीं थे, तो ये अपमान का बदला लिया गया इनसे। और अगर ये बाज नहीं आए तो मुझे लगता है इनका जो था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो बहुत जल्द सनातनी कर देंगे। हमें बीजेपी की जरूरत नहीं कि वो करेगी, हम खुद कर देंगे। 400 प्लस हम सनाती हर चीज से तैयार हैं, तन मन धन से मोदी के साथ हैं। चाहे जितना रुपया लगे, लाख करोड़ 2 लाख करोड़ भी लगेगा, तो मुझ जैसे से लाखों लोगों से मेरी बात होती है, व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, इंडस्ट्रियल से बात होती है, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिसको जितना जोर लगाना लगा ले, चाहे 10 लाख करोड़ खर्च होगा, हम सनातनी उसके लिए पूरा करें। यहाँ पे हम लोकसभा में क्लीन स्वीप करेंगे, 29 की 29 सीटें देके उनको अगला प्रधानमंत्री वापस से बनाएंगे। तेलंगाना में वो जीत गए हैं, वहाँ पे ईवीएम अच्छी थी, बाकी अगर हारे हैं तो ईवीएम में फाइट बताना उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी उनको हार कर ठीक रहा, अपनी गलतियाँ नहीं दिख रही हैं, ईवीएम दिखेगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। फिर से हमारी टीम आप पहुंची है कर्फ्यू माता चौक पर, जो कि बेहद फेमस चौक है भोपाल का, और यहीं से कहीं ना कहीं 3 महीने पहले भी शुरुआत की थी हमने, जब लोगों के बीच में चुनावी सर्वे लेकर के आए थे। और क्योंकि इसको राजनीतिक जो है यहां पर अखाड़ा कहा जाता है, शाम हो देर रात हो यहां पर लोग आकर के चर्चा करते हैं, चुनाव को लेकर के लगातार चर्चा करते रहे। अब नतीजे जो हैं वो सामने आ चुके हैं, और नतीजे ऐसे सामने आए हैं, 18 साल सरकार चलाने के बावजूद पिछली बार की तुलना में 109 सीटों के की तुलना में 163 सीटें, यानी कि 54 सीटों का फायदा बीजेपी को, और कांग्रेस जो लेकर के आई इस बार केवल 66 सीटें, 114 पिछली बार आई थी, यानी कि 48 सीटों का नुकसान, एक सीट जो भारत आदिवासी पार्टी है उनको मिली है। सवाल यहां पर ये बार बार उठा कि बार बार जो कांग्रेस कह रही थी एंटी इनकमेंसी फैक्टर है, शिवराज सिंह चौहान का कुछ जादू नहीं है, वो जीतेंगे नहीं, जबकि अपनी सीट पर ही वो 1,04,000 से ज़्यादा वोट से जीते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बार बार ये क्लेम कर रही थी कि बीजेपी इस बार 50 के आसपास रह जाएगी, जबकि खुद कांग्रेस 50 के आसपास रह गई और बीजेपी 150 से पार चली गई। तो वो अहंकार था कांग्रेस का, या ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए, कि 6 महीने पहले जिस बीजेपी की 100 से कम सीटें आ रही थी मध्य प्रदेश में तमाम ओपिनियन पोल में, वो बीजेपी आज 163 पर गई, क्योंकि पिछले 2 महीने में हमारी टीम ने खुद, मैंने खुद एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जा करके एक एक क्षेत्र, चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्रों, वहां जाकर के जब लोगों की राय जानी, तो बीजेपी का जो चुनावी मैनेजमेंट था, बीजेपी ने जिस प्रकार से अग्रेसिव चुनाव लड़ा, और कांग्रेस जो आपस में लड़ती रही, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आपस में लड़ते रहे, पर्सनल अटैक करते रहे, कभी मामा को कंस बता रहे हैं, कभी तमाम पर्सनल अटैक कर रहे हैं, उसका नुकसान जनता ने दिखा दिया अब कल के दिन। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर लोगों से, क्योंकि राजनीतिक यहाँ खड़ा है, इन लोगों से पहले भी चर्चा बहुत बार की है, मिलते रहे हैं यहाँ पर जब भी हम आए हैं, जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया। सर, सबसे पहले आपसे जो है यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे, बीजेपी 109 से 163, कांग्रेस 114 से 66, और राहुल गांधी ने तो कई बार दावा कर दिया था कि यहाँ तो सरकार आ रही है, पिछले महीने भी जब आए बोला मध्य प्रदेश में तो मैंने देख लिया सब जगह घूम के, हमारी सरकार 100% आ रही है 150 सीटों के साथ, क्या हो गया ये कांग्रेस के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने या कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि आलू डालो और सोना निकालो। भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष में विश्वास रखती है और सीधे संपर्क करती है जनता जनार्दन की। अदालत में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो विकास कार्य पूरे देश में किए थे, और प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरीके से विकास किए थे, उस वक्त ये तय हो गया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ख्याली पुलाव पकाना
कमलनाथ जी के लिए बहुत अच्छी बात थी। सोचना चाहिए, आदमी सोचता है पल में मैं कहाँ पहुँच गया, पल में कहाँ पहुँच गया, वही बात कमलनाथ जी के और कांग्रेस के साथ थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिल से मेहनत की, उसका ही परिणाम मध्य प्रदेश में हम इतनी भारी भरकम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है और अनुशासन था और अनुशासन रहेगा, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरजमी पर बहुत ज़्यादा प्रचंड बहुमत से विजयी हुई है। क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे आए, 2 दिसंबर की रात तक भोपाल के अलग अलग जो यहाँ पर चौक चौराहे हैं वहाँ पर कमलनाथ जी के पोस्टर लग गए थे कि मुख्यमंत्री बनने की बधाई हो, पहले से मुख्यमंत्री बना दिया गया था, जबकि खुद नतीजों के दिन मैं सब जगह था। 11:30 बजे तक बीजेपी कार्यालय में ना तो सजावट थी, ना तो कोई वहाँ पर लड्डू थे, कुछ भी नहीं था। और कांग्रेस सुबह 6 बजे से लड्डू बना करके नाच गाना कर रही थी, और जैसे जैसे नतीजे सामने आए उनके लड्डू गायब हो गए, फिर बीजेपी कार्यालय में जश्न मनना शुरू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जश्न तो बहुत पहले मनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लाडली लक्ष्मी योजना दी, जननी योजना दी, मुख्यमंत्री जी ने इतनी योजनाएं दी, लाडली लक्ष्मी दी, लाडली बहना दी, किसानों के कर्जों को माफ़ किया, गरीबों के लिए 10,000 रुपये का लोन दिया, जो छोटी छोटे से दुकानदार हैं उनको 10,000 रुपये का लोन दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,00,000 रुपये का मुद्रा लोन इस देश के लाडले प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के परचम के ऊपर भारत का नाम रोशन किया, ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लड़ता है, ना कि व्यक्ति चुनाव लड़ता है। कांग्रेस से व्यक्ति लड़ रहा था, उनको दिखावे की राजनीति की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय शिवराज सिंह जी का चेहरा पोस्टर वाला नहीं है, कमलनाथ जी पोस्टर वाले हैं, उनने पोस्टर के माध्यम से अपनी राजनीति खड़ी की है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में छोटा सा छोटा कार्यकर्ता पोस्टर वाई कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए वो पोस्टर तक सीमित नहीं रहा, वो उसका रिजल्ट उसने निकाल के भारतीय जनता पार्टी ने आपके सामने प्रचंड बहुमत के रूप में दिया, ये सिद्ध करता है पोस्टर बॉय और कार्यकर्ता में कितना अंतर होगा। आपके पास लौटूंगा, और भी लोग हैं उनसे भी एक एक बार चर्चा कर लूं जी। आप ये बताइए, पहले 50 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा सपने, वो तो सरकार बनाने की बात कर रहे थे, क्या बड़ा कारण आपको लगता है कि इतना नुकसान हो गया कांग्रेस को? देखिए, आपने पहले भी हमसे पूछा था, हमने आपसे कहा था प्रचंड बहुमत 150 से ऊपर हम सीटें, आपने कहा था 150 पर, मैंने बोला था आपसे 150 से ऊपर लाएंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा, उनके कार्य, शिवराज जी के कार्य दोनों प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में एक अलग ही अपना रंग दिखा रहे हैं, और आज जो युवा पीढ़ी है वो देख रही है कि कौन कैसा काम कर रहा है। तो जहाँ काम है वहाँ मत है, और जहाँ मत है वहीं विश्वास है। तो भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक का मत मिला, और हम उस पब्लिक का, पूरी जनता का आभार भी प्रकट करते हैं, और केंद्रीय नेतृत्व की योजना को भी हम अभिनंदन करते हैं। 24 से पहले इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन हमने 2018 में भी देखा, छत्तीसगढ़ से सरकार गई, मध्य प्रदेश से सरकार गई, राजस्थान से सरकार गई, फिर भी लोकसभा में 29 में से 28 सीटें यहाँ से, राजस्थान की 26 की 26 सीटें आई थी। तो अब ये कितना पॉजिटिव मैसेज नज़र आता है बीजेपी के? नहीं, आपका प्रश्न बहुत सही है। पिछली बार जब 2018 में चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी इन तीनों प्रदेशों में, एक चेहरे के साथ गई थी, इस बार भी एक चेहरे के साथ गई है, पर वो चेहरा कॉमन चेहरा था, देश का एक ही नेता, दुनिया का एक ही नेता, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों ने वोट दिया, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी प्रचंड। मैंने 24 नवंबर को एक पोस्ट डाली थी, आपको मैं दिखाता हूँ, ये पोस्ट दिखाइए, जिसमें लिखा था 160 प्लस भाजपा मध्य प्रदेश में, ये 24, जब कोई एग्जैक्ट पोल नहीं आया था 24 नवंबर को, इसके पहले, क्योंकि मुझे मालूम था कि देश का मूड, प्रदेश की जनता और भोपाल की जनता इस समय सिर्फ एक ही चेहरे को देख रही है, देश में नरेंद्र मोदी को, और देश के नेता नरेंद्र मोदी हैं, और 24 में भी प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधान, देश को बहुत उम्मीद है नरेंद्र मोदी से। अच्छा, क्योंकि हमने भी लगातार सर्वे 3 महीने से यहाँ दिखाया, तो जब लोग 125-30 की बात करते थे तो प्रतिक्रिया ठीक आती, जब लोग बोलते 150 पार, 160 पार, तो बहुत से लोग मजाक बनाते हैं, क्या दिखा रहे हैं आप, कहाँ 150, 160 पार होगी, अब तो वो प्रमाण सामने आ चुका है 163 सीटों। हाँ, बिल्कुल, आप सही,
क्या था जहां भारतीय जनता पार्टी का लोग जो सर्वे आ रहे थे, जो रिपोर्टें आ रही थी, उसके आधार पर ऐसा लग रहा था कि सरकार नहीं बनेगी, पर जैसे ही नरेंद्र मोदी ने कहा मध्य प्रदेश की जनता से, जनता का आह्वान किया मध्य प्रदेश की कि आप कुछ मत देखिए, इस समय सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखिए, और मध्य प्रदेश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने, राजस्थान की जनता ने सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखा है और नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरीदुर रहमान है। रहमान जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर 163 सीटें आई हैं बीजेपी? ये तो आना ही था, और ये शिवराज जी का जो सुचारू शासन चला, उन्होंने एक भयमुक्त वातावरण दिया, और जो उनका लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, वो उसमें सफल रही, और उनका विकास कार्य जो रहा 5 साल का वो रहा, और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी कि नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने ये बोला था कि हमारी मेरी गारंटी है, वो चीज इसमें प्रभावशाली रही है। गारंटी है तो कांग्रेस भी दे रही थी, लेकिन उनको तो नुकसान हो गया 50 सीटों। नहीं नहीं, नहीं ये वो मौखिक गारंटी दे रहे थे, और हमारा काम देखा गया, भारतीय जनता पार्टी का काम देखा गया, हमने मौखिक राजनीति नहीं करी कभी। कांग्रेस के नेता खाली सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के चौराहों पर खड़े होकर मौखिक राजनीति करते हैं, हमारी प्रभावशील। सर, तमाम जगहों पर ईवीएम पर ठीकरा फूटना शुरू हो गया है, ईवीएम ने गड़बड़ कर दी ईवीएम, लेकिन ये ईवीएम तेलंगाना में गड़बड़ नहीं की, कर्नाटक में गड़बड़ नहीं की। मैं आपको अपना नाम बताऊं, मेरा नाम सुनील पंजाबी, मैं पूर्व अध्यक्ष किराना व्यापारी महासंघ भोपाल। ये जो कोई भी ठीकरे पड़ रहे हैं कुछ नहीं, मेरे तो हिसाब से जो मेरे की समझ है इतनी समझ, ये जो कांग्रेस के लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहे थे, अपमानजनक बातें कर रहे थे, सनातनियों का अपमान कर रहे थे, और ये जो अपमान कर रहे थे उनको और संरक्षण देते थे और कुछ बोलते नहीं थे, तो ये अपमान का बदला लिया गया इनसे, और अगर ये बाज नहीं आए तो मुझे लगता है इनका जो था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो बहुत जल्द सनातनी कर देंगे, हमें बीजेपी की जरूरत नहीं कि वो करेगी, हम खुद कर देंगे। 24 का भी क्या नजर आ रहा है, बैठ के बुलाना शुरू कर दिया 400+, हम सनाती हर तीर से तैयार हैं, तन मन धन से मोदी के साथ हैं, चाहे जितना रुपया लगे, 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़ भी लगेगा तो मुझ जैसे से लाखों लोगों से मेरी बात होती है, व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, इंडस्ट्रियल से बात होती है, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जिसको जितना जोर लगाना लगा ले, चाहे 10,00,000 करोड़ खर्च होगा, हम सनातनी उसके लिए पूरा करेंगे। व्यापारी के नाते आपने बात की, जब नतीजे आ रहे थे तो कांग्रेस लगातार अपनी पोस्टों पर मोदी अड़ानी करती रहेगी, वो सब देखिए बेवकूफ वाली बात है, हम भी व्यापार करते हैं, हमें भी टैक्स लेना है, टैक्स जनता देती है, हम भी व्यापारी घर से नहीं देता, उसके पीछे अगर उसके देश के विकास में लग रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों को मालूम हो जितनी जानकारी, मैंने अपनी लाइफ में, मेरी उम्र 62 साल है, मैंने 3,00,000 किलोमीटर का सफ़र किया बाय रोड, 4 धाम 2 बार, 12 ज्योतिर्लिंग 2 बार, 51 शक्तिपीठ में से 25 हो आया मैं, 5 महाभूत हैं, 5ों महाभूत हो आया, और देश में 300 बड़े तीर्थ हैं, 150 हो आया, जो रोडों का विकास हुआ, चूमने लायक रोडें हैं, 120-140 पे सिटी होंडा पे जाता हूँ, आराम का सफ़र करता हूँ। अब आपको यार सब कुछ चाहिए तो फिर ये रोना राना और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो हमने खुद देखा, खुद 3 महीने मध्य प्रदेश में घूमकर सड़कों पर, तो चौतरफा गांव-गांव तक। सर, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर से ही बहुत सारे यहां पर विजुअल्स आ रहे थे, वो हाथ में तख्ती लिए, ईवीएम बैलेट से कराओ, ईवीएम से करा दिया हार के, ईवीएम पे जो है यहां पर मैनुपुलेट कर दिया, लेकिन अभी कर्नाटक जीते थे तो 24 तक के लिए जिता दिया था अपने आप को, तेलंगाना जीते तो कह रहे हैं साउथ से बीजेपी हार गई, वहां नहीं ईवीएम नजर आई इनको? देखिए, कर्नाटक जब जीते थे तो इन्होंने सारा क्रेडिट किसे दिया था? राहुल गांधी को, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गया था वो, परंतु तो अब ये सारी बातें कहीं तो घुमाना है उनको, तो लिहाजा वो डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारे नेतृत्व में कमी थी या हमारे संगठन में कमी थी। हमारा भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, टॉप 3 में मध्य प्रदेश के संगठन का नाम आता है, तो यहाँ पूरा संगठन मिल के एक ताकत से एकजुट होकर लड़ा और आज आपके सामने वो परिणाम है। 24 का भी कुछ नज़र आ रहा है, कांग्रेस तो बैठ के बुलाना अब शुरू कर दी, वो फिर से INDIA गठबंधन की बात करने लगे, अभी 10 दिन पहले आँख दिखा रहे थे उनको, तुम में क्या कांग्रेस ही सब कुछ है, अब जो है लग रहा है हकीकत सामने आ रही है। देखिए, मोदी जी ने हमें एक और अमित शाह जी ने एक मंत्र दिया है, 51% हमारे पक्ष में वोटिंग कराना, भाजपा के पक्ष में 51% वोटिंग कराना, और वो हमारे कार्यकर्ता ने किसी बहुत हद तक उसको लेगा, 40% था, इस बार 48% तो हमें एक टारगेट दिया गया था और वो बहुत बहुत पास हम उसको अचीव कर गए, है ना। तो अब क्या है कि ये भी है, यहाँ पे हम लोकसभा में क्लीन स्वीप करेंगे, 29 की 29
सीटें देकर उनको अगला प्रधानमंत्री वापस से बनाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, ईवीएम पर फिर से दुहाई देना शुरू हो गए हैं, तेलंगाना में नहीं दी जा रही, लेकिन तेलंगाना में वो जीत गए हैं, वहाँ पे ईवीएम अच्छी थी, बाकी अगर हारे हैं तो ईवीएम में फाइट बताना उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी उनको हार कर ठीक रहा, अपनी गलतियाँ नहीं दिख रही हैं, ईवीएम दिखेगी। एक आखिरी जो है कमेंट ये लेना चाहूँगा, जैसे इन्होंने जिक्र किया तो इस पर ही मेरा सवाल है कि जब कर्नाटक जीते, वहीं से मैंने सवाल लिखा है, कर्नाटक जब जीते तो पूरा श्रेय दिया गया यहाँ पर राहुल गांधी को, भारत जोड़ो यात्रा को, अब यहाँ हारे हैं, अब सब कुछ कमलनाथ के सर पर डाल दिया जा रहा है, अब राहुल गांधी का जिक्र नहीं आ रहा कहीं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी का, जीत जाते तो उन्हीं का नाम था। देखिए उनकी बातें करना तो आप समझते हो एक समझदार आदमी के लिए ठीक नहीं है, हम तो समझदार हैं, वो चाहे वो प्रियंका जी हों चाहे सोनिया जी हों, उनको अपना समझना चाहिए कि सब सत्यानाश उन्हीं के कारण है। मेरे को लगता है अगर वो ये हट जाए यहाँ से और जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं उनका वो सामना करेंगी तो मुझे लगता है जेल होगी और उसके बाद कांग्रेस हो सकता है ठीक हो जाए। कांग्रेस इतनी बुरी भी नहीं है कि जिसको किया जाए, इन्होंने बुरा कर रखा है कि चाहे वो किसी के खिलाफ गालियाँ दें, सनातन के खिलाफ बोलें, हिंदू देवी देवता बोलें, तो ये उनको छूट देते हैं, उसका खामियाना है ये, इन्हीं को भुगतना, इन्हीं की हार है। इनको आपका एक इस पर कमेंट, कर्नाटक जीतते हैं तो ईवीएम भी ठीक है, अब ईवीएम भी जो है यहाँ पर मैनुपलेट हो गई, कर्नाटक जीते हैं तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा बदलाव बीजेपी का जो है यहाँ पर बीजेपी पर भरोसा नहीं जताएंगे, लेकिन यहाँ तीन राज्यों में हारते हैं तो ना राहुल गांधी पर ठीक रहा ना प्रियंका गांधी पर, अब वहाँ वहाँ के जो सीएम थे या चेहरे थे मुख्य उन पर डाल दी गई है बात। कांग्रेस को एक चीज़ समझ लेना चाहिए, महात्मा गांधी जी जब शांत हुए थे तो उनके मुँह से निकला था हे राम, जो राम का अपमान करेगा उसका परिणाम यही होगा। अब ईवीएम मशीन जनता जनार्दन बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, सबको पता है कि कांग्रेस के पास दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के अलावा कोई काम बचा नहीं है, तो वो अर्गनल बातें करके लोगों का मन और अपने नेताओं का दिल समझाने का प्रयास कर रही है। तो सीधे तौर पर जनता की राय आपने यहाँ पर सुनी और कहीं ना कहीं जो इन्होंने कहा वो एकदम सटीक यहाँ पर इनका भी विश्लेषण रहा कि बीजेपी की जो प्लानिंग है वो माइक्रो मैक्रो लेवल तक प्लानिंग है, एक बूथ स्तर पे, और बूथ स्तर पे जैसे आप मान लीजिए कि 1000 या 1200 वोट है उसमें भी जो एक पेज पर 30 वोट रहते, एक पन्ना प्रमुख तक की जो है वो बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग है, और वहीं कांग्रेस को देखें तो हवा में बातें करना, हवा से जो है यहाँ पर वो चाहते हैं कि बदलाव हो जाए, और क्या यहाँ पर नतीजा आया वो सबने देखा, और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर भोपाल की मध्य प्रदेश की अपनी जर्नी को ख़त्म करते हुए ये उन जो कुछ YouTube चैनल्स हैं उनको भी यहाँ पर अगर आप देखें जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश चुनाव में ये दिखाने का प्रयास किया कि कितना एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी की 18 साल की सरकार पर लोगों को विश्वास नहीं है, क्राइम है, ये तमाम चीज़ें आकर के अलग अलग जगह जा करके भीड़ को इकट्ठा करके उन्होंने देश को दिखाने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की लहर बिल्कुल ख़त्म है, बीजेपी पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो चैनल आज गायब हो चुके हैं, कल से मैं लगातार देख रहा हूँ वो ना कुछ वीडियोज़ डाल रहे हैं, वो जा करके किसी बिल में छुप चुके हैं वो चैनल। तो आपको हकीकत देखनी है तो हमारी तरह जैसे हम जाकर के जनता के बीच में बात करते हैं चौक चौराहों पर अलग अलग जगहों पर जो है हर वर्ग से बात करते हैं, व्यापारी वर्ग हो, महिलाएं हो, उसके अलावा तमाम काम करने वाले लोग हो, रागीर हो, जो मजदूर हैं उनसे जो बात करते हैं वो एक्चुअल में आपको बताएंगे, गाँव गाँव में जब हम जाते हैं वो लोग आपको बताते हैं कि किससे संतुष्ट हैं, किसका चेहरा उनको पसंद है, किस पर उनको विश्वास है, और वही नतीजे देखने को मिले जो लगातार हम आपको 3 महीने से दिखा रहे थे कि मध्य प्रदेश में हवा क्या है, और ये चैनल्स अब 2024 में भी यही दिखाने का प्रयास करेंगे, गुजरात के समय भी यही दिखाने का प्रयास किया था, गुजरात के नतीजे भी आप सबने देखे थे, वैसे ही नतीजे मध्य प्रदेश से भी इस बार देखने को मिले हैं। बहरहाल अब इस पूरी रिपोर्ट से आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।